चलिए दोस्तों शुरू करते हैं नैतिक कहानी तीन सीखें। एक बार एक राजा ने अपने तीन पुत्रों को बुलाया और बोला कि हमारे राज्य में नाशपाती का कोई पेड़ नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम सब चार चार महीने के अंतराल पर इस पेड़ की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वह कैसा होता है। तीनों पुत्र बारी बारी से गए और लौट आए। राजा ने फिर से सभी पुत्रों को बुलाया और उनसे पेड़ के बारे में पूछा। पहले पुत्र ने पेड़ को बिल्कुल सूखा हुआ बताया, दूसरे पुत्र ने पेड़ को हरा भरा लेकिन फलों से रहित बताया, तीसरे पुत्र ने पेड़ को हरा भरा और फलों से लदा हुआ बताया। इसके बाद तीनों पुत्र खुद को सही साबित करने के लिए लड़ने लगे। तभी राजा ने तीनों को रोका और बोला कि तुम्हें लड़ने की जरूरत नहीं है, तुम तीनों अपनी जगह सही हो। मैंने तुम तीनों को अलग अलग मौसम में पेड़ खोजने भेजा था और तुमने जो देखा वह मौसम के अनुसार था। इससे मैं तुम्हें सीख देना चाहता हूँ, पहले की सही जानकारी के लिए किसी चीज को लंबे समय तक देखो परखो। दूसरी यह कि मौसम की तरह ही वक्त भी ऐसा नहीं रहता, अतः धैर्य रखो। तीसरी यह कि अपने बात को ही सही मानकर उस पर अड़े मत रहो, दूसरों के विचारों को जानना भी जरूरी है। शिक्षा: सही जानकारी, सही वक्त और सही विचार ही सफलता दिलाते हैं। कहानी यही समाप्त होती है।